या तो ईश्वर को छोड़ दो या ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक चौहान और स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसका नाम था मार्क, एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ उनको नई मेडिकल रिसर्च के लिए महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, वह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उनको इस पुरस्कार को पाने के लिए। जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे के बाद जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि अब वे सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली। सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए उनको पता था कि अगले फ्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर के बाद बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना सा बंद हो गया। इस आपाधापी में गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो गए थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लगी थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे इधर उधर टहलने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बिल्कुल नज़दीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और परेशान से गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया और साथ ही कहा कि आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना के उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर की इस बात को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्किया लेते डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा कि होना इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए, आपको क्या लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। उस औरत ने धीमे से उदासी भरे मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, यह मेरा लड़का है, उसको कैंसर रोग है जिसका उपाय डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन तक जा सकूं, उनके शहर तक जा सकूं, क्योंकि वे किसी दूर शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता बना ही देंगे और मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा देंगे और उसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सनी रह गए, वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और आँखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत ही महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे सम्मेलन में उन्हें जाना था, कैसे जहाज से उसे अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। वे जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठे और ऐसे लोगों की सहायता करें। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।